अब हम कर लेते हैं कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग देखो कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग का मतलब होता है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बट फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग मनी इट इज मोर ऑर्गेनाइज एंड कैपिटल इंटेंसिव नोमैडिक हर्डिंग कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग करने में तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा जैसे पहले तुम्हें एनिमल्स खरीदने पड़ेंगे फिर ज़मीन ख़रीदनी पड़ेगी उसके बाद तुम्हें फेंसिंग करनी पड़ेगी अपनी रेंचेस की अपने एनिमल्स की हेल्थ का भी ख्याल रखना पड़ेगा और जो प्रोडक्ट्स तुम्हें एनिमल से मिलेंगे उन्हें भी तुम साइंटिफिकली तरीके से पैक्ड करके वर्ल्ड मार्केट में एक्सपोर्ट करते हो इट इज़ ऑल्सो नोन एज कमर्शियल लाइव स्टॉक रेंचिंग चलो हम इसके सेकेंड नाम का मतलब समझते हैं लाइव स्टॉक मतलब एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन हो रहा है रैंचेस के ऊपर फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग मनी कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग एक वेस्टर्न कल्चर का पार्ट है और इसे करने के लिए हमें परमानेंट पेस्टर्स की जरूरत पड़ती है अब हम जल्दी से पेस्टर्स को समझ लेते हैं पेस्टर्स का मतलब होता है कि तुम्हारे पास एक बहुत लार्ज पीस ऑफ लैंड है जिसे तुमने कई सारे पार्सल्स में डिवाइड कर रखा है और हर एक पार्सल के आसपास तुमने फेंसिंग कर रखी है जैसे इस इमेज में जो रेंच है उसके फोर पार्सल्स हैं और इन चारों पार्सल की बाउंड्री पे फेंसिंग कर रखी है जब ये एनिमल्स अपने फर्स्ट पार्सल की ग्रास को खा लेते हैं तो उसके बाद इन्हें दूसरे पार्सल में शिफ्ट कर दिया जाता है और जब सेकंड पार्सल में भी घास खत्म हो जाती है तो थर्ड पार्सल में इन्हें शिफ्ट कर दिया जाता है अब देखो नोटिस करो हमारे फर्स्ट पार्सल में दोबारा से ग्रास उग चुकी है ऐसे ही जब थर्ड पार्सल खत्म हो जाएगा तो ये फोर्थ में शिफ्ट कर देंगे फोर्थ में खत्म हो जाएगा तो फर्स्ट में कर देंगे तो देख रहे हो ये एक्टिविटी कितनी ऑर्गेनाइज है पहले हमने रेंचेस को खरीदा फिर उसके अंदर हमने पैस्चर्स बनाए फिर हमने बाउंड्रीज की फेंसिंग करी और ये सब करने में हमें पैसा भी तो लगता है इसलिए यह एक्टिविटी कैपिटल इंटेंसिव भी है रेंचस के ऊपर फेंसिंग इसीलिए करी जाती है ताकि हम एनिमल्स की ग्रेजिंग को रेगुलेट कर सकें और हर एक पैस्चर में उस पैस्चर की कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से एनिमल्स को रखा जाता है जैसे इस वाले रेंच की कैरिंग कैपेसिटी है थ्री एनिमल्स की मतलब इस रेंच के ऊपर सिर्फ तीन ही जानवरों की घास है तो फिर हम इसके ऊपर थर्टी एनिमल्स नहीं बांध सकते क्योंकि इस पैश्चर की इतनी कैरिंग कैपेसिटी है ही नहीं इस पार्सल में इतनी घास भी नहीं है जो कि इन तीस जानवरों का पेट भर सके ऊपर से इस पैस्चर के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग में सिर्फ हम एक ही टाइप के एनिमल को पालते हैं फॉर एग्जाम्पल शीप गोट हॉर्सेस कैटल अगर हम अपने रेंचेस के ऊपर शीप को डोमेस्टिकेट कर रहे हैं तो बस हम शीप का ही डोमेस्टिकेशन करेंगे हमारे रेंचेस के ऊपर ना तुम्हें गोट मिलेंगे ना हॉर्सेस ना कैटल इन एनिमल से हमें मीट मिलता है वूल मिलती है हड्डी मिलती है उनकी स्किन मिलती है फिर इन सब एनिमल प्रोडक्ट्स की हम प्रोसेसिंग करते हैं इन आइटम्स को हम फैक्ट्री में ले जाकर डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं और जब ये आइटम बन जाते हैं तो हम इन्हें साइंटिफिकली तरीके से पैक करते हैं और फिर इन पैकेट्स को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है अब जो लोग इन्हें रैंचज पे पालते हैं वो इनकी ब्रीडिंग करवाते हैं ताकि ये ऑफ स्प्रिंग दे सकें रैंचज पे इनके ओनर्स जेनेटिक इम्प्रूवमेंट भी करवाते हैं मतलब बिल्कुल प्योर स्पीशीज के ऑफ स्प्रिंग जिसे बहुत से लोग नस्ल सुधार भी कहते हैं Ranches के ऊपर एनिमल्स की बहुत ज्यादा देखभाल करी जाती है टाइम टू टाइम डॉक्टर्स को बुलाया जाता है एनिमल्स को वैक्सीनेट करवाया जाता है ताकि उन्हें कोई डिजीज ना लग जाए अब हम जल्दी से इस इमेज को समझ लेते हैं कि ये इमेज हमें क्या दिखाना चाहती है इस इमेज में हो रही है कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग और इसमें रेनडियर्स ही रेनडियर और ये लोग हैं इस रेंच के ओनर्स और शायद ये ओनर्स इन्हें एक पैस्चर से दूसरे पेस्टर में शिफ्ट कर रहे हैं अब ये जो पीछे बाउंड्री है इसे हम कहते हैं fencing. अभी हमने पढ़ा था कि कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग में सिर्फ एक टाइप के एनिमल को ही हम रियर करते हैं इस पेस्टर में तुम्हें रेनडियर्स ही रेनडियर्स दिखेंगे इसका मतलब इन पेस्टर्स के ऊपर सिर्फ रेनडियर्स का ही डोमेस्टिकेशन हो रहा है रेंडियर रेयरिंग इन नॉर्थ रीजन ऑफ अलास्का वे मोस्ट ऑफ द एस्कीमोज ओन अबाउट टू थर्ड ऑफ द स्टॉक एस्कीमोज एक ट्राइब होती है जो कि नॉर्द कैनेडा अलास्का वाले रीजन में रहती है अब मेजोरिटी ऑफ द एस्कीमोज के रेंचेस पे तुम्हें रेंडियर्स दिखेंगे जो एस्कीमोज नॉर्थ अलास्का वाले रीजन में रहते हैं उन्हें रेंडियर रेयरिंग करनी बहुत पसंद है और यह इस बात से पता चलता है कि जब नॉर्थ अलास्का वाले रीजन में एक सर्वे किया गया था तो उसमें टोटल स्टॉक में से टू थर्ड ऑफ स्टॉक हमारा रेनडियर्स का था और वन थर्ड स्टॉक दूसरे एनिमल्स का अब हम इसका मैप वर्क जल्दी से देख लेते हैं तो कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग को प्रैक्टिस किया जाता है यहां पे और यह है हमारा न्यूजीलैंड अब इसे ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में भी प्रैक्टिस किया जाता है कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग को उरुग्वे में भी प्रैक्टिस किया जाता है और उरुगुए की लोकेशन है ये इसे अर्जेंटीना में भी प्रैक्टिस किया जाता है और लास्ट में इसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी प्रैक्टिस किया जाता है देखो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये पूरा रीजन है और अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे तो ये मैक्सिमम शेडेड रीजन हमारा यूएसए वाले रीजन में आ रहा है सिर्फ इतनी ही लोकेशन इंपॉर्टेंट हैं तो इन्हें लर्न कर लेना अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना तुम्हारी बुक में थोड़े से और एरियाज दिए हैं लेकिन तुम्हें वो लर्न नहीं करने जैसे कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेनिंग यहां पर भी होता है और यहां पर भी होता है और यहां पर भी होता है लेकिन तुम्हें लर्न सिर्फ ये इंपॉर्टेंट वाले ही करने हैं चलो बाय कीप स्टिंग अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में एग्रीकल्चर के साथ तब तक के लिए बाय